एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अ लेक्चर 18 ऑफ अ हाईवे इंजीनियरिंग एंड वी आर कवरिंग द मॉड्यूल 3 दैट इज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन विच द फर्स्ट टॉपिक इज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव कवर्ड ऑल द रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ब्रेकिंग टेस्ट. नेक्स्ट वी विल सी द ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस. From today's onward lecture, we will start the traffic studies and analysis. In the traffic studies and analysis, in this lecture, we will see the traffic volume study and the complete detail of a traffic volume study. In the next lecture, we will see the traffic speed study and its type. Okay, so let us start our lecture. So we will start with our topic, that is our first topic of our traffic speed and analysis. फर्स्ट टॉपिक इज दी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. हम समझते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होती है. ठीक है, तो आप इसको एक सिंपल भाषा में समझोगे तो आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक रोड है और आपने क्या किया, उस रोड में एक क्रॉस सेक्शन ले लिया. किसी भी प्लेस में आप उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं. ठीक है, तो आपके पर घंटे आपकी कितनी व्हीकल इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही हैं, उसे ही आप क्या बोलते हो, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ओके, सो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम. मतलब कि पर घंटे इस क्रॉस सेक्शन से कितनी व्हीकल पास हो रही हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ओके, सिंपल. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम करते क्यों हैं. ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ अ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जनरली इट इज़ अडॉप्टेड एज अ मेजर ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ रोड एंड इन डिसाइडिंग द प्रायोरिटी. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज देयर आर टू रोड्स. ओके, दिस इज रोड ए. लेट अस सपोज देयर आर टू रोड. सो दिस इज रोड ए एंड दिस इज रोड बी. ओके, सो इफ वी आर सीइंग एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एंड वी आर वॉचिंग दी नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग पर आवर, एंड इफ दे अगर यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, 3000 व्हीकल पास हो रही हैं पर घंटे. ठीक है, इस रोड से, इस क्रॉस सेक्शन पे, और अगर यहाँ पर 1200 व्हीकल पर आवर पास हो रही हैं. ठीक है, तो आपको कौन सी रोड की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और कौन सी रोड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक पास हो रहा है, मतलब ज़्यादा व्हीकल पास हो रहे हैं, वही आपकी क्या होगी, उसकी रोड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी और वही रोड को आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे. तो आप क्यों इसे करते हो, ताकि आप किसी रोड की प्रायोरिटी और उसकी इंपॉर्टेंस को सेट कर सको. ठीक है, और मेजर कर सको. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट. व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट सेज, इट इज़ यूज्ड इन अ प्लानिंग ट्रैफिक ऑपरेशन एंड द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी. ओके, अगर आपने कोई एक रोड बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने ये रोड बनाई है. ठीक है, आपने ये रोड किसके लिए बनाई है, मान लो आपने 5000 व्हीकल के लिए पर आर के हिसाब से आपने इसको डिज़ाइन किया है. ठीक है, अगर इसमें 10,000-20,000 व्हीकल आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको क्या करोगे, आप उसको मॉडिफाई करोगे, उसे और अच्छा प्लानिंग करोगे ट्रैफिक ऑपरेशन, ताकि जो है यहाँ पर एक्सीडेंट, कोलिजन, ये सब अवॉइड हो सके और बेटर मूवमेंट हो सके. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन प्लानिंग ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़. ओके, थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ अ पेमेंट एंड फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ अ रोड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये कोई रोड है, ठीक है, और इसमें से 5000 व्हीकल पर आवर पास हो रही हैं. ठीक है, और आपने क्या किया कि आपका जो अपना पेमेंट है, फॉर एग्जांपल, वो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ 2000 व्हीकल पर आर के हिसाब से डिज़ाइन किया है. ठीक है, या आपने उसमें लो क्वालिटी बिटुमेन लगा दिया, या आपने लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर दिया, और वहाँ पर जो रोड यूज़र है, जो व्हीकल है, वो क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाएगा. तो इसके लिए क्या है, ये हेल्पफुल ये स्टडी की जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ पर से कितनी व्हीकल पास हो रही हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन ऑफ पेमेंट करो और कैपेसिटी ऑफ रोड को डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, इस हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी थिकनेस अच्छी रखोगे. अगर ज़्यादा व्हीकल पास हो रही है, उस रोड की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उस रोड की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतने अच्छी आप मटेरियल यूज़ करोगे, उतना अच्छा आप थिकनेस दोगे. ओके, सो ये सब चीज़ में क्या हेल्प करते हैं, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. इसीलिए हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, कि हम क्यों ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करते हैं. ओके, सो आवर फोर्थ पॉइंट इज, एनालाइज द ट्रैफिक ट्रेंड एंड पैटर्न. ओके, व्हाट यू मीन बाय ट्रैफिक ट्रेंड. अगर देखो, आप एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मान लो हम 10 ईयर का गैप में देख रहे हैं. ठीक है, तो 10 ईयर के गैप में मान लो अगर यहाँ पर 5000 व्हीकल पर घंटे का आपको एवरेज ट्रैफिक है, और इन नेक्स्ट जो है 10 साल में आपका क्या है, मान लो कि ये 10,000 व्हीकल पर घंटे का आपका ट्रैफिक है, और उसके नेक्स्ट में अगर मान लो आपका 15,000 पर घंटे का आपका ट्रैफिक है. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करोगे, आप एक ट्रेंड बना पाओगे, आप एक ग्राफ बना पाओगे कि हाँ, ये हमारा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक नंबर ऑफ व्हीकल है, वो इंक्रीज़ हो रही है. ओके,
सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये डिक्रीज़ भी हो सकती है, पर जनरली पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम ये सब जो है इंक्रीज़ ही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रेंड है वो आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो, ये वेरिंगली इंक्रीज़ भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ व्हीकल पर आर मीन्स ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, ये था हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो हम फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, स्टडी ऑफ टर्निंग ट्रैफिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है हम वो समझते हैं कि लेट अस सपोज कि ये आपकी एक स्ट्रेट रोड है और ये आपकी एक और रोड है जो इस रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टर्निंग ट्रैफिक कितना है आप उसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लो और एक क्रॉस सेक्शन क्या करो यहाँ पर लो। ठीक है, लेट अस सपोज आपका यहाँ पर जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, 3000 पर आर। ओके, और आपने यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन लिया तो यहाँ पर आपको कितना ट्रैफिक वॉल्यूम मिल रहा है, लेट अस सपोज इट इज़ 2000 पर आर। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि टर्निंग ट्रैफिक कितना है, इसमें से आप इतना माइनस कर दो आपको पता चल जाएगा कि जितने इधर कितनी ट्रैफिक टर्न हो गई। तो फॉर एग्जांपल इधर 1000 पर आर ट्रैफिक इधर टर्न हो गई। ओके, सो ये टर्निंग ट्रैफिक की स्टडी में भी हमें हेल्प करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इस ट्रैफिक वॉल्यूम तो हमने कर ली, अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रैफिक वॉल्यूम, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में AADT। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है, आपने क्या किया पूरे साल भर में कितना ट्रैफिक उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से गया, फॉर एग्जांपल ये रोड है और ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, तो आप क्या नोट करोगे कि कितना जो है ट्रैफिक है साल भर में यहाँ से गुजरा। ठीक है, आप उस नंबर को नोट करोगे और क्या करोगे, आप इसको एनुअल एवरेज डेली, आपको डेली चाहिए तो इस ट्रैफिक को क्या करोगे आप एक साल से डिवाइड कर दोगे, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। ओके, तो अगर आप इस टोटल ट्रैफिक को 365 डेज से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, उसी को आप बोलते हो AADT। ओके, सो दिस इज सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक क्या है, अब देखो ये जो है ये एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक जितना ही है, बट अगर आप इसमें देखोगे डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है कि देखो अगर आपने साल के तीन पूरे साल भर का डेटा कलेक्ट किया है कि वहाँ पर कितने व्हीकल पास हुए इधर से इससे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। बट अगर आपने साल भर से कम का डेटा लिया है, मान लीजिए कि आपने 9 मंथ्स का लिया है, 10 मंथ्स का लिया है या 11 मंथ्स का लिया है, तो जिस भी या फिर आपने कितने भी 365 डेज़ के अलावा कितने किसी और डेज़ में लिया है, तो आप क्या करोगे, टोटल ट्रैफिक इन दैट डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट डेज। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 30 डेज़ का लिया है, ठीक है, तो 30 डेज़ में कितनी ट्रैफिक यहाँ से पास हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट डे, मतलब 30 डे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज डेली ट्रैफिक। यही था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये क्या है पूरे साल भर का डेटा लेता है, और ये क्या है कि साल भर के अलावा आप जितने नंबर ऑफ डेज में आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज आवरली ट्रैफिक AHT। AHT इज़ वेरी सिंपल, आप क्या करो एवरेज डेली ट्रैफिक में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसे क्या करो 24 से डिवाइड कर दो, तो आपका डेली की जगह आवरली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट क्या है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि आप जितना ट्रैफिक वॉल्यूम है उसे ईयर वाइज जो है ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ईयर्स लिख रहे हैं और यहाँ पर आप ट्रैफिक वॉल्यूम लिख रहे हैं, आप क्या करो ट्रैफिक वॉल्यूम की वैल्यूज़ को करते जाओ और इसे कनेक्ट कर दो, तो जो आपका लाइन कनेक्ट करेगी इसे, इसे क्या बोलते हो आप, ट्रेंड। तो इस वजह से आप क्या करते हो इसको ट्रेंड चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट वे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ट्रैफिक टाइप है, अब आपको देखना है कि हम ट्रैफिक टाइप को क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, कि ये लाइट ट्रैफिक है कि मीडियम ट्रैफिक है कि हैवी ट्रैफिक है। ओके, सो हम ये किस पे बेस होता है, सबसे पहले ये देखना है हमें। तो सबसे पहले ये किस पे बेस होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी कमर्शियल व्हीकल पर डे। कमर्शियल व्हीकल क्या होता है आप पहले वो हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बस बोलने से नहीं होगा कि आप ये कमर्शियल व्हीकल पर डे पे होता है, आपको समझना भी चाहिए कि कमर्शियल व्हीकल क्या होता है। कमर्शियल व्हीकल वो व्हीकल होता है हुज ग्रॉस वेट मीन्स टोटल वेट, ओके, हुज ग्रॉस वेट इज ग्रेटर देन 3 टन्स। ओके, जिसका ग्रॉस वेट 3 टन से ग्रेटर होता है उसे हम किसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल। ओके, तो अगर कमर्शियल व्हीकल हमारी 50 से कम है पर डे, कमर्शियल व्हीकल पर डे अगर हमारा क्या है 50 से कम है, तो हम उस ट्रैफिक को क्या बोलेंगे, लाइट ट्रैफिक। ओके, और अगर कमर्शियल व्हीकल 50 से 300 के बीच में है, तो उस ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ट्रैफिक।
अगर हमारा कमर्शियल व्हीकल पर डे क्या है 300 से ग्रेटर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैवी ट्रैफिक। ओके, सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कमर्शियल व्हीकल पर डे के हिसाब से अपने ट्रैफिक को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये लाइट ट्रैफिक है, कि मीडियम ट्रैफिक है, कि हैवी ट्रैफिक है। ओके, सो फॉर लाइट ट्रैफिक द कमर्शियल व्हीकल पर डे शुड बी लेस देन 50, फॉर द मीडियम ट्रैफिक द कमर्शियल व्हीकल पर डे शुड बी बिटवीन 50 to 300, एंड फॉर द हैवी ट्रैफिक द कमर्शियल व्हीकल पर डे शुड बी ग्रेटर देन 300। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। सो दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ अ डिज़ाइन अवर्ली वॉल्यूम। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ 30th हाइएस्ट अवर्ली वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? ओके, तो अब हम वो देखते हैं। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है? इट इज़ दैट अवर्ली वॉल्यूम विच विल बी एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर एंड ऑल अदर ट्रैफिक वॉल्यूम विल बी लेसर देन दैट। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि ये ऐसा अवर्ली वॉल्यूम है जो सिर्फ 29 टाइम्स साल भर में एक्सीड करता है। मतलब कि अगर ये आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं इन अ ईयर तो वो सिर्फ 29 टाइम्स ही एक्सीड करेगा। वो क्या बोलते हैं, 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि आपका जो हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम है वो क्या है। तो इट इज़ अ 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।